हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा। अब सुनिएगा कि ये शायरी कहाँ से निकलती है, क्यों लिखी जाती है। हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा। और शायरी यूं ही नहीं निकलती है जहन से मेरे, तुम्हें पता ही है पेके गुलाब का, तुम्हें पता ही है पेके गुलाब का किस्सा। और ये अक्सर हर व्यक्ति के साथ होता है, आदरणीय संजय भैया सुने, कि मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया कि मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया कि नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया कि नहीं। अब जा के सुनिएगा, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया कि नहीं। और सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया कि नहीं, कि तेरे आने से रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है। और एक और नई पंक्तियां बिल्कुल कर लिया, परसों में लिखी है, मुझे ध्यान तो नहीं है। स्वागत स्वागत। कि मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, बहुत पुरानी बात, कि मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, मेरी यादों का मेला भी तो छाया होगा। और मैंने पहले बोल दिया था कि मैं कोई शर्माने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, और दादाजी से शर्माता था तो वो तो है भी नहीं, पर पापा जरूर बैठे हैं। आप तो निश्चिंत पढ़ो, बहुत तलाश की हुई है, हां नहीं देख रहे हैं ये तो दूर से मेरे लाकड़े आ गए, कसा लो करो बड़ा होता है। सुनिए, मैं अगर सामने आऊं तो कांपते क्यों। इस तरन्नुम की आखिरी पंक्ति और एक छोटा गीत पढ़ो, जल्दी बहुत बढ़िया पढ़ो। मैं अगर अपनी छत से मुझे यूं ताकत